गंगा ने अपने पिछले सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रत्येक न्यूज लाइव, मैं हूं आपके साथ रविशंकर। गंगा नदी ने अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। 1976 हाई फ्लड लेवल था, उसके बाद 2016 हाई फ्लड लेवल हुआ। जब 76 का रिकॉर्ड 2016 में टूटा था, तब गंगा 141.5 सेंटीमीटर खतरे के निशान से ऊपर बह रही थी, और आज सुबह 5 बजे गंगा ने उस रिकॉर्ड को भी ध्वस्त कर दिया है। अभी गंगा 143 सेंटीमीटर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। ये डेटा जो हम आपको दे रहे हैं, ये केंद्रीय जल आयोग से लिया गया डेटा है। भारत सरकार की जो केंद्रीय जल आयोग है, बक्सर, पटना और हाथीदह में स्थित है, तीन जगह से। और इसके साथ ही ये संभावना भी अभी बनी हुई है, जो बक्सर से हमें रिपोर्ट मिला है उसके अनुसार अभी गंगा में उछाल और आएगा। अभी गंगा की जो रफ्तार है वो प्रति 3 घंटे 1 सेंटीमीटर की दर से गंगा और बढ़ रही है, यानी अभी आने वाले 2-4 दिन और भारी पड़ सकते हैं। तो जो तटीय इलाके के लोग हैं उन्हें सावधान रहने की ज़रूरत है। गंगा के दोनों तरफ जो तटवर्ती शहर हैं, गाँव हैं, घनी आबादी है, वहाँ के लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है। गंगा अभी भारी तबाही मचा सकती है, क्योंकि जिस तरह से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश आदि में बारिश हो रही है, तो गंगा का जलस्तर उससे और बढ़ेगा। और ऐसा ही रिपोर्ट आ भी रहा है सामने कि जलस्तर में अभी बढ़ाव और देखने को मिल सकता है। 200 mm और गंगा बढ़ी है, 200 मिलीमीटर और उछाल आया है बक्सर में। तो 1-2 दिनों में पटना जिले में भी इसका असर और देखने को मिलेगा, जब गंगा और अधिक उछाल लेगी। इसके साथ ही बात करें शासकीय व्यवस्थाओं की, तो वो नदारद दिख रहा है। जो तस्वीर में आप देख पा रहे हैं, लोग कहीं ऑटो पर, पूरा एक परिवार एक ऑटो पर रामनगर दियारे से, एक तस्वीर आई है। रामनगर दियारा बख्तियारपुर और बार अनुमंडल में पड़ता है। रामनगर दियारे से जो तस्वीर आई है वो भयावह स्थिति है। लोग अचानक बताए कि पानी आ गया और लोगों को घर बार छोड़कर भागना पड़ा सुरक्षित स्थल की ओर। एक ऑटो में सवार एक पूरा परिवार, जिसमें 12 की संख्या है, वो पूरा ऑटो में जीवन व्यतीत कर रहा है पिछले 3 दिनों से। शासन प्रशासन से हमारी गुजारिश है, हमारी उम्मीद भी ऐसी है कि वो अपना काम करेगी। बाढ़ बहुत तेज़ी से लोगों का जीवन बर्बाद कर रही है। ऐसे में ये प्राकृतिक आपदा भले है, लेकिन सरकार और शासन को जो करना चाहिए वो नहीं कर पा रही है अभी तक। ऐसा जैसी भी तस्वीरें आ रही है, जहां से भी तस्वीरें आ रही है, सब जगह से एक ही शिकायत है कि सरकार के तरफ से अभी कोई मदद नहीं की जा रही है। तो सरकार को अब आगे आना चाहिए। अब सरकार को ये नहीं देखना चाहिए कि गंगा का रूप क्या होगा, चूँकि गंगा ने पिछले सारे रिकॉर्ड खुद ही तोड़ दिए हैं और खतरे के निशान से अभी 143। खतरे के निशान से अभी कितना ऊपर बह रही है गंगा? खतरे के निशान से 1.43 मीटर ऊपर बढ़ रही है। अच्छा, 2016 में क्या लेवल था? 16 में लेवल था 43.175 था, और उसको क्रॉस कर गई है। हाँ, उसको है जो सुबह आज 5 बजे क्रॉस कर गई है, और 8 बजे का सुबह, आज 8 बजे का सुबह जो लेवल है 43.190 है। खतरे के निशान से ऊपर मतलब पहले ही बह रही है, और 2016 का भी रिकॉर्ड टूट चुका। हाँ, 2016 का रिकॉर्ड टूट चुका अभी तक है। अभी क्या संभावना है, और बढ़ोतरी की संभावना? अभी तो बढ़ोतरी की संभावना है, अभी जो 0.5 सेंटीमीटर फिर राइजिंग होने लगा, आधे सेंटीमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रही है। बढ़ रहा था 3 घंटा पर 1 सेंटीमीटर, हर 3 घंटा में 1 सेंटीमीटर। 3 घंटा पर 1 सेंटीमीटर के राइजिंग मैंने अब शुरू हो गया है। आगे डाटा क्या आ रहा है आगे पटना से बढ़ने का? पटना से तो बता रहा है कि बढ़ोतरी जारी है। हाँ, बढ़ोतरी जारी रहेगा, अभी बढ़ेगा अभी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ रविंद्र प्रसाद सिंह। विद्या विहार रेसिडेंशियल स्कूल इज अ कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल with an inspiring and dynamic curriculum, encouraging students to pursue new interests and equip them with the skills required in competitive 21st century with full potential. Every child has inherent talents that we strive to unearth and foster through individual attention.